न्यूज पर विपुल गोयल ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह की रैली को लेकर बेहतरीन उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं, सिरसा में महारैली होनी है, इसे लेकर विपुल गोयल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा को संदेश देने का काम करेगा ये दौरा। हाईवे का जाल पूरे देश में बिछाया गया है, देश की तस्वीर बदलने का काम मोदी सरकार ने किया। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। गठबंधन है और चलता रहेगा। विपुल गोयल ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। तो ये बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर, पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री अमित शाह की 18 तारीख को सिरसा में रैली होनी है। इस वक्त मेरे साथ पूर्व मंत्री विपुल गोयल साहब मौजूद हैं। गोयल साहब, 18 तारीख को रैली है, किस प्रकार की रैली ये रहने वाली है? पहले रैली के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह है, ये रैली नहीं रैला होगा और ये पूरे हरियाणा के अंदर एक मैसेज छोड़कर जाएगी। लोह पुरुष अमित शाह जी की रैली जो 18 तारीख को हो रही है। सर, कहीं ना कहीं एक छोर से दूसरे छोर पर आ पाएगा, जो इलाहाबाद हरियाणा का एक छोर है, कहीं ना कहीं ग्रहण के अमित शाह का हाथ आपके नजदीक है, बताई जा रहा है क्या उसी की वजह से सिरसा में आपकी ड्यूटी लगाई गई, या फिर कहीं ना कहीं पूरा समन्वय किस प्रकार से रैली का लेकर रहने वाला है, उसको लेकर आपकी ड्यूटी लगाई? देखिए, हरियाणा के अंदर 10 जगह रैलियां होनी है, जगह जगह कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। महत्वपूर्ण पूरे हरियाणा की जो और रैलियां भी हो रही है, अन्य रैलियों से विशेष रैली है और उसका मैसेज सिरसा के साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर जाना है, तो इसकी तैयारियां बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी 24 को लेकर कहीं ना कहीं पूरी कमर कसी है। 2024 का ये आगाज भी होगा और कमर कसी है। पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा से माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम हरियाणा की जनता माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर, 10 की 10 सीट, पिछली बार भी क्लीन स्वीप किया था, इस बार भी क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं? बिल्कुल 100% क्लीन स्वीप करेंगे। 10 की 10 सीटें लोकसभा की माननीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगा हरियाणा। महाजन संवाद आप लोग कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, पिछले 9 साल का कार्यकाल किस प्रकार से रहा है, किस प्रकार से लोग उस कार्यकाल को देखते हैं, कितना काम जो है लोगों का हो पाया है, यानी ये कहा जाए तो विकास के काम कितने हो पाए प्रदेश में? एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त जो विकास कार्यों की है, सामाजिक कार्यों की है और अन्य कार्यों की माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। मैं फरीदाबाद से आता हूँ सिरसा, जहाँ 7 घंटे का समय लगता था, 3 घंटे के अंदर सिरसा पहुँचने का काम हुआ। हाईवे का जाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिछा दिया है, 50,000 किलोमीटर हाईवे। रेलवे की बात हो, एयरपोर्ट्स की बात हो, 68 एयरपोर्ट से लेकर 142 एयरपोर्ट करने का काम माने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और राम मंदिर से लेकर चाहे उज्जैन के अंदर शिव मंदिर की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो, और सामाजिक मुद्दों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल विकास की बात हो, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 पर हमारा हिंदुस्तान सा आज विश्व के अंदर वो 66वें स्थान पर पायदान पर लेकर आए, एक बहुत बड़ी लकीर खींचने का काम। उसके अलावा हिंदुस्तान की तस्वीर को और इज्जत को बदलने का काम जो अमेरिका का अमेरिका देश एक सबसे बड़ी शक्ति विश्व की शक्ति है, जब उसका राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति से कहे कि मोदी आई वॉन्ट यूर ऑटोग्राफ, और जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को बोले यू आर द बॉस, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस 9 साल के अंदर है। अंतिम सवाल रहेगा सर, एक पॉलिटिकल भी रहेगा, पिछले दिनों बयानबाजी हुई जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, किस प्रकार से देखते हैं इस बयानबाजी को, और संगठन आप में लगातार आप काम कर रहे हैं, संगठन के तौर पर जननायक जनता पार्टी को आप कहाँ पाते हैं? जननायक जनता पार्टी हमारे सहयोगी दल हैं और हमारा सहयोगी दल रहेगा। रही बयानबाजी आपस में कोई सी बातचीत के, एक बड़ा कुनवा जहाँ होता है सब बातें चलती है, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, हमारा संगठन चल रहा था और आगे भी रेगुलर चलता रहेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे विपुल गोयल और इनकी तरफ से साफ ये कहा गया है कि 2024 के आगाज की तैयारियाँ